आपने लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बातें करते हुए ना बहुत से लाइफ कोच को सुना होगा और न जाने कितनी ही किताबें लिखी गई हैं इस बारे में। तो क्या सच में लाइफ मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज है जिसे हमें सीखने की जरूरत पड़ती है? आई बिलीव कि लाइफ मैनेजमेंट स्किल ना हम सब में पहले से ही प्रोग्राम्ड है, बस हम में से हर एक इंसान अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। जरूरत है उसे सही से इस्तेमाल करने की। जैसे हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे हैं और उन 24 घंटे का इस्तेमाल एक प्रोडक्टिव इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में करता है, और वही एक आलसी इंसान उस 24 घंटे का इस्तेमाल एक्सक्यूज ढूंढने में लगाता है कि अगर वो अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। लाइफ मैनेजमेंट ना असल मायने में वो प्रोसेस है जो हमें और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, हमें हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करती है। और ये ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में सीख सकते हैं, बल्कि समय के साथ हम अपनी गलतियां, अपनी असफलताओं और अपने भय से ऊपर उठकर उसे हासिल कर पाते हैं। सपोज आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले आप अपने घर से निकलेंगे, वो सबसे पहला और अहम स्टेप है कहीं और पहुंचने की प्रोसेस में। क्योंकि अगर आप निकले बिना ही ये सोचने लग जाए कि यार क्या हुआ जो बारिश हो जाए, जो ट्रैफिक जाम मिल जाए, या क्या हुआ अगर गाड़ी खराब हो गई, तो आप इन सब में उलझ के रह जाएंगे। और अगर आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो फिर कहीं और पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसे में जो बात आपको मोटिवेट करती है वो है वो डेस्टिनेशन या वो जगह जिस वजह से आपको वहां जाना था। वो मोटिवेशन ही आपको गोल अचीव करने में मदद करता है। चेंज इज नेवर अ मैटर ऑफ एबिलिटी, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ मोटिवेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो पर्वतारोही है जिन्हें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। उनमें से एक का फोकस पूरी तरह से उस माउंटेन पिक को अचीव करने में है, वही उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। और ऐसा नहीं है कि उसको रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का डर नहीं है, लेकिन उसका पूरा फोकस पूरी तरीके से उस गोल पे है। और उसकी प्रोबेबिलिटी उस दूसरे इंसान से हमेशा ज्यादा होगी जिसका फोकस उसके गोल के साथ साथ बाकी परिस्थितियों पर भी ज्यादा है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आपके द्वारा ना उसको हासिल करने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और जब आप अपने गोल और लक्ष्य के बजाय बाकी की बातों को अधिक तवज्जो देने लगते हैं तो आपकी संभावनाएं उसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि हमारा ध्यान हमारे गोल पर रहे। और मैं दर्शन आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि लक्ष्य को पाने में अपना ध्यान केंद्रित करिए। बीच की रुकावटें उस लक्ष्य के आगे बस एक तिनका मात्र है। एंड दिस वे यू कैन मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ।